बता देते हैं इसके बारे में। हमारा जो स्कूल एजुकेशन का जो मुद्दा है, उस मुद्दे पर हमारा फोकस ये है कि जो स्कूल के अंदर गड़बड़ियाँ हो रही हैं, उन गड़बड़ियों में हम थोड़ा हस्तक्षेप करके उसको थोड़ा सा चैनलाइज कर सके कि ठीक से बच्चों तक वो व्यवस्था पहुँच सके। तो इसी को लेके हमने कम्युनिटी के बच्चों के साथ में मीटिंग की, उनकी मदर्स के साथ मीटिंग करी, और मीटिंग करने के बाद जब हम स्कूल में पहुँचे, तीन चार सौ लोग जब जैसे ही हम पहुँचे तो जो प्रिंसिपल थी वो बोलती है कि मैं पुलिस बुलाती हूँ स्कूल के अंदर। हमने कहा आपको पुलिस बुलाना है बुला लीजिए, क्योंकि पेरेंट्स आए हैं वो अपना हिसाब किताब मांग रहे हैं, तो आप अगर आप नहीं बताना चाहते आपको पुलिस बुला लीजिए, आप नहीं बुलाएंगे तो हम लोग बुला लेंगे। तो इस तरीके वहाँ पे बहुत सारा, क्योंकि हमने फोटोग्राफी की, किस तरीके से टॉयलेट टूटा पड़ा लड़की के लिए, वहाँ टॉयलेट नहीं है, पीने का पानी नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, टीचर्स पूरे नहीं है, ये सारी बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं स्कूल के अंदर, तो ये स्कूल की व्यवस्था है। और ऊपर से आप बोल रहे कि स्कूल के बच्चों को आप कह रहे कि हमारे स्कूल में सारी व्यवस्था है। उसके बाद जब हमने कहा अपना रिकॉर्ड दिखा दीजिए आपने बच्चों किस किस तरीके, बोले कि आप दो दिन बाद आइए हम तब दिखाएंगे। हमने कहा ठीक है। उस दिन का हमने उसे फिनिश करा, फिनिश करने के बाद दो दिन के बाद हम गए, उसके बाद न्यूज़ में भी वो खबर लग गई। लगने के बाद उनके स्कूल में खलबली मच गई कि हमारा स्कूल बदनाम हो रहा है, ये हो रहा है। हमने क्या किया, स्कूल बच्चों को पढ़ाने की बजाय 20-25 लड़कियों का ग्रुप तैयार किया, बोले कि जो स्कूल में अभी आएंगे उनके खिलाफ आपको बोलना है। और हम 12:40 पे स्कूल की छुट्टी होती है और 1 बजे तक हम प्रिंसिपल से बात कर रहे थे और उनके रिकॉर्ड देख रहे थे। उसके दौरान जैसे हम बाहर निकले हैं, बच्चियां बोलती हैं कि हम आपसे बात करेंगे, बड़ी आई एनजीओ वाली हमारे स्कूल को बदनाम, मतलब टीचर्स की भाषा और प्रिंसिपल की भाषा को बच्चे बोल रहे हैं। और प्रिंसिपल का पूरा पूरा मकसद था कि कोई भी महिला एक बच्चे को पुश कर दे तो हम पुलिस बुला के स्कूल में खलबली मचाने आए हैं। तो हमने कहा बच्चों को हम बात नहीं करेंगे, सीधे हम जाएंगे। उसके बाद हम वहाँ से स्कूल से निकल के आए, हमारे कुछ नहीं, उसके बाद हमने डाली RTI। अब RTI से हमारे पास ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन निकल के आई हैं कि हमने पूछा VKS के तहत पे आपको कितना फंड आता है और फंड में आपने कितना खर्च किया है, कितना बैलेंस है। 12 रुपया बैलेंस बचा है, 2 लाख रुपया फंड है, उसमें जो खर्च किया है उनने आइटम्स लिखे हैं 11, बिल बताए हैं 5, और आइटम लिखे हैं 20, बिल बताए हैं 2। तो पूरी पूरी हमने कहा आपका रिकॉर्ड फाइल सारा देखना चाहते हैं, हम उसका कॉपी भी लेंगे अगर हमको जरूरत पड़ी तो। उन्होंने हमको रिकॉर्ड देखने के लिए नहीं दिया। हम गए अपील में, अपील में जाके भी ये पूरी बात है, अपील में जो अपील अथॉरिटी बैठी थी उन्होंने कहा कि ये क्यों नहीं दिखा रहे, आप इनको परमिशन दीजिए, हम ऑर्डर दे रहे हैं, आप इनको परमिशन दीजिए, अभी हमारे पे परमिशन लेटर आने वाला है, हम स्कूल के अंदर में उसको लेके जाने वाले, क्योंकि जितना भी हमारे धांधली हुई है उस सारी चीज़ों को देखने के बाद हम इनके एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके ये धांधली दिखाने वाले हैं कि बच्चों के लिए जो पैसा आ रहा है उसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है। तो वो सिस्टम में जो गड़बड़ियाँ हैं, हम बड़े एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं करेंगे, बहुत पूरे सुधार देंगे, लेकिन जो हमारे कम से कम बस्ती के बच्चे जा रहे हैं उनको फ़ायदा मिल सके उसको ठीक करने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ से हम लोग एक ऑल इंडिया लेवल का जो पूरा मुहिम चल रही है कि कॉमन एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है, डॉक्टर अनिल सतगोपाल हैं जो एजुकेशन के मुद्दे पर पूरी ज़िंदगी काम कर रहे हैं, तो उसके साथ में अभी 24 फरवरी की बड़ी रैली हुई है जिसमें कॉमन एजुकेशन सिस्टम की बात हुई, जिसमें पूरा मंच हमारा शामिल हुआ है और पूरी कम्युनिटी ने उसमें, क्योंकि वो पूरे चंदे पे हुई है वो रैली, तो कम्युनिटी से एक मिर्ची खरीद बेचने वाली, हरी धनिया बेचने वाली ने भी अपना कंट्रीब्यूशन 1 रुपया करके डाला, जिसमें से 1556 रुपया इकट्ठा होकर कंट्रीब्यूशन बस्ती से गया है। और इस रैली का, इस जो मुहिम का एक ही मकसद है कि KG to PG तक जो एजुकेशन सिस्टम है वो फ्री एजुकेशन हो और कॉमन एजुकेशन सिस्टम हो बच्चों के लिए, सबको व्यवस्था की बात। तो इस अभी हम इस मुहिम में हम चालू हैं और इसको आगे करेंगे हम लोग।